अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रोज पेटल कटलेट्स। वो किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके लिए क्या सामग्री चाहिए और क्या सामान चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं पेटल का सामान बता दूँ, उसके अंदर मैंने क्या क्या लिया। ये मैंने मैदे काटा ली हूँ एक कटोरी और आधा चम्मच जीरा है, और ये नमक थोड़ा सा ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ, टेस्ट के हिसाब से ली हूँ। और ये मगरेल है और तेल है, और ये मैंने खाने का सोडा ली हूँ। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब मैं आपको जो हमें उसके अंदर जो फिलिंग भरना है उसका मसाला मैं आपको बता देती हूँ वो क्या रहेगा। पेटल की फिलिंग के लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने दो आलू ली हूँ जिसको मैंने बॉईल कर ली, और ये मैंने पोहा ली थी जिसको मैंने भिगा कर पूरा सॉफ्ट करके ले ली हूँ ताकि पूरा पानी निकल जाइए, और ये हो गया। और ये हमने एक प्याज ली है जिसको हमने बारीक कट कर दी है, और ये मैंने मिर्ची ली हूँ 6 से 7 मिर्ची ली हूँ, और ये बारीक कटी हुई कोथमीर ली, और इसमें जो सूखे मसाले पड़ेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने जीरा पाउडर ली हूँ, ये मैं काली मिर्च पाउडर ली हूँ, ये मैगी मसाला मैजिक ली हूँ आधा चम्मच, हल्दी टेस्ट के हिसाब से, और सॉरी हल्दी एक चम्मच आधा चम्मच, और मिर्ची टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा कितना आप तीखा खाते हैं, ये मैंने आधा चम्मच ली हूँ। और ये चाट मसाला और नमक टेस्ट के हिसाब से आपको कितना चाहिए उतना मैंने इतना ली हूँ। अब मैं आपको उसको फिलिंग यानी बनाना कैसा है वो मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। हम इसका आटा यानी डो एक रेडी करेंगे किस तरह से हमें करना है, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, इसको एकदम गीला नहीं करना है, एक हार्ड ऐसा डो बनाना है यानी कड़क आटा गूंदना है, ज़्यादा पतला नहीं करना हमें, क्योंकि हमें ये पेटल बनाना है जो कि हमें अच्छा फिनिशिंग में बनाना है। इसके लिए हमें जो तेल मैंने तेल वगैरह ली थी पहले उसी तेल में अच्छे से पूरा ये आटा मिलाना है ताकि हमारा अच्छे से मोइन हो जाए, यानी कि हमारे हाथ में कंबाइन होकर आ जाए। अब मैं इसके बाद उसको अच्छे से आटा गूंद लूँगी। ये देखिए पूरा तेल से हमें अच्छे से गूंदना है। देखिए हमारा आटा इस तरह से होना चाहिए कि हम जब हाथ में इसको लें तो ये हमारा पूरा ऐसा एक ऐसा होना चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा आटा अच्छे से मोइन हो चुका है जिस तरह से हमें चाहिए तेल में। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से गूंद लेंगे, एक आटा यानी जैसा रोटी बनाते हैं हम वैसे ही आटा तैयार कर लेंगे। इसको ज़्यादा नरम मत करिएगा। अब आटा गूंद के मैं आपको आगे बताती हूँ आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए गाइस हमारा आटा रेडी हो गया जिस तरह से हमें चाहिए था, माशाल्लाह ऐसे कड़क हमें आटा चाहिए था, उसी तरह से हमारा आटा भी अच्छे से फूल गया है। अब मैं आपको उसकी जो फिलिंग है वो बता देती हूँ, उसके अंदर मैंने क्या क्या डाली। पहले मैंने ये आलू को अच्छे से ग्रेट कर ली हूँ पूरा, उसके अंदर मैं ये पोहा मिक्स कर दूँगी जो मैंने भिगा कर रखी थी। ये हमारा देखो पोहा भी इसमें डाल देते हम, ये आपको जितना लगे उसके हिसाब से डालिएगा, हमने इतना डाले हैं। अब ये मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी पूरा जितना भी है, ये पूरे मसाले इसके अंदर जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर कोथमीर मिक्स कर देंगे। और ये जो हमने प्याज लिए थे वो प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे, और ये मिर्चे जो हमने लिए थे वो भी हम डाल देंगे। ये जो आधा जो बचा है ये आगे हमारा कुछ हम रेसिपी बना रहे हैं ये उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या मैं बना रही हूँ आगे। इसको हम अच्छे से पूरा एक आटा जैसा बनाते हैं हम, जिस तरह से आटा गूंद के रेडी रखते हैं उसी तरह से एक आटा गूंद के बना के रख देंगे। फिर इसके अंदर मैं आपको ये रोज़ पेटल बनाने का तरीका बताऊंगी कि रोज़ पेटल हमें किस तरह से बनाना है। देखिए गाइस हमारा डो रेडी हो गया है जिस तरह से हमें फिलिंग चाहिए तो उसी तरह से माशाल्लाह रेडी हो गया। अब हम इसे गोल गोल आकार में ऐसा बना लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, जिस तरह से हमें छोटी छोटी गोली बनाना है हमें इस तरह के, ताकि हमारे रोज़ पेटल में रखने के लिए बराबर आए। इस तरह से हम बना बना के पूरा रेडी कर लेंगे। फिर मैं आपको रोज़ पेटल बनाने का तरीका बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे हम। गाइस ये हमारे आलू के जो हमें फिलिंग थी हमारे गोल बना के मैंने उसको लड्डू बना के रख दी हूँ। अब मैं पेटल बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ किस तरह से बनाना है। हमें आटा लेना है जो हमने गूंदे थे वो हमें इतना ही मोटा लेना है, आपको जितना मोटा लेना आप ले सकते हैं। मैं एक ही बार में 5 बनाने वाली हूँ इसलिए मैं इतना मोटा ली हूँ। अब इसमें आप पतले के बेलन में या तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर जैसा बनाना है वैसा बनाइए, एकदम पतला सा रोटी किस तरह से बेलते हैं रोटी बेल लीजिएगा। ये पूरा मैं रोटी बेल के आपको बताती हूँ इसको आगे का कैसा रहेगा। हमने हमारा इस तरह से देखो पूरा रोटी का इस तरह से बना लिया लंबा। अब मैं इसको एक ढक्कन के साथ इसको इस तरह से काट लूँगी गोलाकार में,
इसी तरह बड़े बड़े ही बनाना है, छोटे नहीं बनाना है। ये देखो हमारे ये तीन रेडी हुए हैं। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ और पैटर्न किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ हमने इसको रख दिए, इसको भी उठा लेंगे नहीं तो चिपका हुआ रहेगा तो हमारा पैटर्न ख़राब होगा। इसको इसी तरह से हमें रखना ही है, उठाना नहीं है। अब देखिए क्या करना है, एक छुरी लीजिए। देखिए छुरी लीजिए, छुरी लेके हमें ये जो पैटर्न है, सॉरी ये हमारा जो गोल जैसे ये ना, इस तरह से काटना है, पूरी तरीके से नहीं काटना है, बीच में इतनी सी जगह रखना है। यहाँ से इस तरह से हमने काट दिए, एक यहाँ से एक कट दिए और एक कट यहाँ से, बराबर लेवल में ही काटना है, आगे पीछे नहीं काटना है ताकि हमारे पेटल भी अच्छे से बने। ये इस तरह हो गया, इसी तरह मैं बाकी सब काट लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमें ये हमारे पूरे लड्डू इस तरह रख देना है, ये सब ऐसा अच्छे से रख देना है। देखिए यहाँ इस तरह से अच्छे से रख दिए। रखने के बाद अब देखिए मैं इसमें ये जो घोल में ये पूरा चिपकाने के लिए मैं मैदे का घोल बनाई थी, अभी इसमें पूरा लगा देती हूँ। लगा कर मैं आपको पेटल बनाकर दिखाती हूँ किस तरह से हमारा पेटल रेडी होगा। ये यहाँ पर भी लगा देंगे ताकि फूले ना। देखिए अभी क्या करना है हमें, यहाँ इस तरह का एक उठाना है, इस तरह से यहाँ इस तरह से लपेट देना है और ये दूसरा उठाना है, दूसरा हिस्सा। तकरीबन हमें कितना कितना हुआ था ये 8 ऐसा कट करना है और ये ऐसा यहाँ फोल्ड कर दिए और एक उठाए यहाँ फोल्ड कर दिए और ये एक उठाए यहाँ फोल्ड कर दिए और एक ये उठाए यहाँ फोल्ड कर दिए। लाइन वाइज ऐसा इसी तरह से हमें उठाना है और इसी तरह से फोल्ड करना है। ये उठाए यहाँ फोल्ड कर दिए और ये उठाए यहाँ फोल्ड कर दिए। देखिए माशाल्लाह से हमारा देखो कितना अच्छा एक गुलाब रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं ये सब पूरा बनाकर आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको रेडी किए। देखिए गाइस हमारे लोटस कटलेस रेडी हो गए जिस तरह से हमने बनाए थे। देखिए पूरी तरीके से माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अब ये बनने के बाद भी और भी माशाल्लाह खिलकर उठेंगे। मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ किस तरह से हमें फ्राई करना है और फ्राई करने के लिए मैं आपको टिप बता देती हूँ। मैंने तो वैसे ही कढ़ाई में तेल डाल दी गर्म होने के लिए, उसको ना पहले धीमी आंच पे बनाना है ताकि ये हमारा जो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ऐसा नहीं कि हम डाल दिए तेज आंच पे रख दिए और बाद में निकाल दिए, इससे अच्छे ये वो क्या होगा, अगर जल्दी निकालेंगे तो ये हमारा अंदर से कच्चा ही रहेगा, इसलिए हमें धीमी आँच पर उसको अच्छे से शैलो फ्राई करना है। अब मैं इसको आपको फ्राई करके बताती हूँ। हमारा तेल रेडी हो गया है, हम एक साथ 4-5 ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये निकलेगा नहीं फिलिंग, आप टेंशन फ्री रहिएगा। ये हो गए, अब मैं एक साथ फ्राई करके आपको बताती हूँ। देखिए गाइस माशाल्लाह देखिए हमारा ये जो है कटलेस माशाल्लाह देखिए किस तरह से अच्छी तरीके से माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हमें और इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करके मैं आपको आगे का प्रोसेस और बताती हूँ। बाकी के जो भी हमारे है कटलेस वो हम आगे और भी रेडी कर लेते हैं, या भी हमारे और बचे हैं इसको बनाने के बाद हम आपको आगे प्लेटिंग करके बताते हैं कि हमने माशाल्लाह किस तरीके से ये बनाए हैं पेटल कटलेस। देखिए गाइस हमारे ट्यूलिप पेटल और ये जो हमने जो यानी कटलेस बनाए थे, माशाल्लाह हमारा कटलेस रेडी हो गया है। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छी तरीके से इसका रंग भी खिल के आ रहा है और शेप भी माशाल्लाह देखिए किस तरह से गुलाब की तरीके से इसका शेप भी है। आप भी अपने घर में सेम इसी मेथड से बनाइए। आप चाहे तो नॉनवेज का भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसके अंदर आलू का यूज़ करी हूँ और पोहे का यूज़ करी हूँ, आप उसकी जगह चिकन या मटन वगैरह जो भी आप चाहे उसका यूज़ कर सकते हैं। आप भी अपने घर में सेम इसी मेथड से बनाइए और यही मसाला यूज़ करिएगा। और प्लीज़ अपने घर में बनाकर ट्राई करके मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और प्लीज़ कमेंट भी करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।